को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपने फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं कि भाई ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म को देखकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाता है, खासकर गैब्रियल को लेकर कि क्या उसके पास कुछ सुपर पावर्स थी क्या, क्योंकि वो रेडियो के जरिए बात करता था क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं बोल सकता था। अब इसके अलावा वो फ़ोन के जरिए भी बातचीत कर सकता था और कॉल वगैरह भी कर सकता था बिना फ़ोन को टच किए हुए, और फिल्म के एंड में भी हमें देखने को मिलता है कुछ वैसा ही। तो क्या उसके पास सुपर पावर्स थी या फिर नहीं? तो जवाब है हाँ, उसके पास सुपर पावर्स थी। तो देखिए जैसे जो उसका शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था, पर जैसे ही गैब्रियल सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेता था तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता था। उसके पास एक तरीके से पावर्स आ जाती थी और वो जो चाहे कर सकता था, जो कि हमें इस फिल्म में भी नज़र आता है। साथ ही साथ हम मतलब मान के चलते हैं कि सारी चीज़ें बकवास थी या फिर जो भी सुपर पावर्स वाली बात, तो फिल्म के एंड में जब वो जेल में होता है तो वहाँ पर लाइट वगैरह मतलब ब्लिंक होने लगती हैं, तो इससे भी हम मतलब मान के चल सकते हैं वहाँ तो कुछ नहीं था ना। वहाँ तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो सिर्फ उसके दिमाग की इमेजिनेशन थी, तो वहाँ तो सच में जो जेल में जो बाकी सारी जो लड़कियाँ थी उनको भी वो चीज़ दिखाई देता है उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस वगैरह से, तो इससे हम मानकर चल सकते हैं कि वो जो सुपर पावर्स जो हमें नज़र आती हैं वो सही में फेक नहीं है, बल्कि वो सच में उसके पास सुपर पावर्स थी, कोई इमेजिनेशन नहीं थी। और आगे अगर हमको कुछ समझना है, डाउट को क्लियर करना है, तो यहाँ पर मुझे शुरू से आपको समझाना पड़ेगा कि क्या हुआ था, ताकि क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फिल्म रिव्यू में भी बताया है, जिसका रिव्यू आपको आई बटन पे तो मिल ही जाएगा, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो गैब्रियल के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में तो आपको बता ही दिया मैंने कि वो आखिर में सुपर पावर्स उसके पास थी भी या फिर नहीं, तो सुपर पावर्स थी, सही में उसके पास सुपर पावर्स थी, तो डाउट क्लियर हो गया ये वाला। अब देखिए बाकी चीज़ें समझने के लिए मुझे आपको शुरू से समझाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, तो बने रहना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहानी शुरू होती है 1985 से, जहाँ पर इमली की माँ, ठीक है, वो पता नहीं कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद उसे ये बात पता चलती है जब वो बहुत सारी जगहों पर चेक कराने जाती है गायनोकोलॉजिस्ट के पास में, तो उसके बाद पता चलती है कि उसके अंदर जो बच्चा बढ़ रहा है उसके साथ एक ट्यूमर भी बढ़ रहा है और वो ट्यूमर कहीं ना कहीं उसके साथ चिपका हुआ है, और जब वो बच्चा बाहर आता है, ट्यूमर भी साथ में बाहर आता है, तो उसे ये बात पता चलती है कि वो कोई आम ट्यूमर नहीं है, उसमें उसके हाथ भी थे, उसके पैर भी थे, यानी कि वो पूरी तरीके से एक इंसान ही था, बस वो एमिली के साथ जुड़ा हुआ था। जिसके बाद जब काफ़ी वक्त बीतने लगता है और यहाँ पर जो एमिली की माँ थी वो भी कुछ करती नहीं थी, तो उस वजह से वो बच्चे को पाल नहीं पा रही थी, और साथ ही साथ ये जो ट्यूमर था वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होता जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जो ट्यूमर में बिल्कुल इंसानों जैसा ही सब कुछ था, बस वो ट्यूमर था, वरना इसके अलावा उसकी सारी हरकतें या फिर उसका जो शरीर था और वो एमिली के साथ चिपका हुआ था, जुड़ा हुआ था, मतलब जुड़वा जैसे थे दोनों, तो इसका जो माइंडसेट था वो बिल्कुल डेविल जैसा था, यानी कि एविल माइंडसेट का ये इंसान था, और इसको इसकी वजह से वो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ चुकी थी, और वो इससे किसी भी हाल में छुटकारा चाहती थी, और वो एमिली को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद थी कि पता नहीं हो सकता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और इसी वजह से वो एक हॉस्पिटल को अपनी बेटी को सौंप देती है कि आप इसको ठीक कर दीजिए, अगर आप ठीक कर सकते हैं तो अब मैं अपनी बेटी को पाल पोस तो नहीं सकती, तो आप इसको किसी फैमिली को अडॉप्शन के लिए दे दीजिएगा, अगर कोई फिल्म फैमिली अडॉप्ट करती है तो अच्छी बात है। जिसके बाद वो सभी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं डॉक्टर्स वहाँ के हॉस्पिटल के, और जिसके बाद वो उसको रखते हैं कुछ वक्त, उस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, ये समझने के लिए क्या इन दोनों को अलग किया जा सकता है या फिर क्या उपाय किया जा सकता है, क्योंकि सही में
वो जो था वो बिल्कुल ही अलग माइंडसेट का था, यानी कि गैब्रियल और ये जो इमिली जो आपस में जुड़े हुए थे, जिसमें गैब्रियल थोड़ा सा डेंजरस माइंड की सेट का था और वो लोगों को मारने में, लोगों को तकलीफ पहुंचाने में ज़्यादा उसको मज़ा आता था। और इसी वजह से पहले तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हाल में सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, पर ऐसा लग नहीं रहा था। जिसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पर जो हेड डॉक्टर होती है, वो ये फैसला लेती है कि ये जो ट्यूमर है या फिर ये जो गैब्रियल है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि वो रेडियो के ज़रिए बातें करता है, वो खुद से बातचीत नहीं कर सकता है। और जो कि वहाँ से हमें उसकी सुपर पावर्स के बारे में, उसकी मतलब सबसे मतलब ताकतवर होने की बात वहाँ पर पता चलती है। अब यहाँ पर वो हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो काफ़ी सारे लोगों को मार देता हो वहाँ पर हॉस्पिटल में। जिसके बाद वहाँ की जो हेड डॉक्टर होती है, वो गैब्रियल को मतलब एक तरीके से एमिली से अलग करने में मजबूर हो जाती है कि अगर इसको इस यहाँ से नहीं हटाया, नहीं निकाला, तो वो एमिली को तो बर्बाद कर ही देगा और वो पता नहीं कितनों की जान लेगा, वो तो मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसके बाद वो एक सर्जरी करते हैं, पर यहाँ पर इसमें दिक्कत ये होती है कि उसके हाथ पैर को तो काट कर अलग कर दिया जाता है यहाँ पर एमिली के मतलब गैब्रियल के, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पर जो गैब्रियल है उसका जो दिमाग होता है और एमिली का जो दिमाग होता है वो आपस में जुड़ा होता है, जिसके वजह से अगर वो उससे कुछ छेड़खानी करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर एमिली की जान खतरे में पड़ जाती। तो इस वजह से वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ पर उसका जो ब्रेन है, यानी कि गैब्रियल का ब्रेन, उसको वो एमिली के ब्रेन के अंदर में फिट कर देंगे और उसको ऊपर से ढक देंगे। और अब गैब्रियल का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो इससे हो सकता है कि अब ये चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। और उसके बाद होता भी यही है, जब उसका ऑपरेशन होता है एमिली का, जिसके बाद एमिली काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है और उससे डॉक्टर्स को लगता है कि वो अब अडॉप्शन का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसका अडॉप्शन के लिए मतलब फैमिली वगैरह